हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। यहाँ पे बहुत सारे साथी परेशान होकर बैठे हैं। HSSC ऑफिस में मैं आज आया था और वहाँ पर TGT वाले साथी हैं जो परेशान होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे क्या इनकी समस्या है, किस तरीके से यहाँ पे घर छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है। आपको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है और गर्मी के टाइम पे ये लोग घर से बाहर बैठे हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के। तो आप अगर खड़े हो जाओ, थोड़े इस साइड आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। हाँ जी, तो राम राम भाई। अच्छा, क्या समस्या है, मतलब आपने घर छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है? सर, हमारा 7575 का रिजल्ट, थोड़ा जोर तो बोलो, आवाज जानी चाहिए। 7575 का रिजल्ट पेंडिंग है और सरकार हम कई बार प्रोमिस कर चुकी है कि आपका हम रिजल्ट जल्दी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कंप्लीट हुए, 5 नंबर का फैसला हुआ सरकार के अगेंस्ट आया, फेवर में हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर आचार संहिता हटने के बाद इन्होंने कहा था कि जैसे ही चेयरमैन की नियुक्ति होती है हम आपका रिजल्ट जल्दी देंगे, एक क्लिक में एक बटन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वो क्लिक अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं मिला और मजबूरन हमें आगे बैठना पड़ा HSC के सामने। ये क्लिक होने की बात मतलब कितने महीने पहले की, कितने साल पहले की है? ये तो फरवरी में तो CM साहब ने की थी विधानसभा में, और उसके बाद खत्री साहब ने की थी इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन के बाद। अच्छा, लोकसभा के टाइम पे बोला था ये? लोकसभा के टाइम पे बोला गया। अच्छा, तो बाद में आप यहाँ पे बैठे हो, आज से बैठे हो या कई दिन हो गए? आज से हमने धरना स्टार्ट किया है और जो मेरे साथी घर पे बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अब मेरा रिजल्ट नहीं है, मेरा रिजल्ट नहीं है, हम आपके साथ बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, हम सब अपने रिजल्ट के लिए बैठे हैं, आगे आप घरों से निकलो, प्रशासन दबाव बना रहा है। सर दिखाओ, आपको हमारे तो लठ मारने की तैयारी कर रखी है, उधर बस दिखा दो, उधर बस तैयार है हमारे लिए। ये प्रशासन तो हमें यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही है, हमें यहाँ से उठा रहे हैं और हमें बोलते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हम साथ में कार्रवाई करेंगे, प्रशासन वाले बोल रहे हैं। अच्छा, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कई बार क्या होने, कई बार आप दूसरे पार्टियां तैयार हो, कई लोग ऐसा भी कहेंगे आप विरोधी पार्टी के होंगे, अपोजिट पार्टी के, ऐसा है या आप रियल एस्पिरेंट ही हो? अच्छा, मैं आजाद मुदगिल संस्कृत से। ठीक है भाई। नबिजेंद्र सिंह TGT से। सुशील संस्कृत। हाँ जी भाई साहब। अच्छा अच्छा, यहाँ पे संभाल कौन रहा है, कौन जिम्मेवारी है, यदि यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? यहाँ पर ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन फिर भी लठ लेकर तैयार बैठा लठ मारने के लिए। अच्छा, प्रेशर बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, पर्चा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है, पर्चा दर्ज हो गया है, करियर खराब कर दिया जाएगा, ठीक है। हमें काफी परेशान किया जा रहा है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो TGT के साथी घर पर बैठे हुए हैं, वो घर से बाहर निकलो, या हमारा ही बलिदान चाहते हो तुम सब, नौकरी सबको मिलनी है, हम आपके लिए खड़े हैं, दोबारा फिर एक बार दिखाओ सर एक बार। तो 5 नंबर लेने के पक्ष में थे आप, या मतलब अब जो कोर्ट ने फैसला दे दिया उस स्वीकार आपको? कोर्ट ने फैसला दिया हम उसके पक्ष में। अच्छा, जो कोर्ट ने फैसला दिया हम उसके पक्ष में, हमें 5 नंबर 4 नंबर लेने ही सर, हमें रिजल्ट चाहिए। तो आप डिपार्टमेंट में आपकी बात हुई है? डिपार्टमेंट में पहले 3-4 दिन पहले साथियों की बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, आश्वासन दिए जाते हैं। अच्छा जी, पूरे आश्वासन दिए जाते हैं, कूलर साहब से मीटिंग हो चुकी है, CM साहब से हो चुकी है, उसके बाद HSC में चेयरमैन साहब से केवल आश्वासन मिल रहे हैं। तो अब बेरोजगारी के कारण ही परेशान हो गए, कारण यहाँ बैठे और शांति प्रिय बैठे, और प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया गया, फिर HKRN से निकाल दिया गया, और अब ये यहाँ नहीं दे रहे हैं तो क्या लाएंगे बच्चों को? तो अभी यहाँ पे स्टाफ आया था, भी नहीं दे रहे हैं अभी यहाँ पे स्टाफ, हम सब टीचर हैं, सब समाज से हैं, तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे नौकरी छोड़ के दूसरी प्राइवेट इसके इंतजार में। आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या करोगे? सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है, और क्या नाम प्राइवेट वाले ले रहे, हम तो घर बैठे सर बर्बाद हो गए, हम तो सर पीछे बैठे थे, वृक्षारोपण से लेकर सफाई सब करो चलाए, सब समाज से हैं, थोड़ी सी भी मतलब हमारी तरफ से कभी हो रही है। अच्छा जी, पीछे भी प्रशासन देख लो आप कितने भारी संख्या में आराम से बैठे हैं, हमें उसके बाद यहाँ बैठना नहीं है सर, कहाँ बैठे हम, हम अपना कैमरा ऑफ करें। जैसा कि आपको बता दें, प्रशासन ने उठा दिया है यहाँ से, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर बैठने की परमिशन नहीं है, और यहाँ से नहीं उठाओगे तो बल प्रयोग किया जाएगा, तो हम भाई अब शिफ्ट कर रहे हैं, आप सब नहीं आओगे तो हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो कोई धरने की स्पेशल जगह भी बनी होगी? धरना स्थल सेक्टर 5 में है धरना। अच्छा। लेकिन वहाँ कोई सुनता नहीं, पिछले 1-1.5 साल से बैठ कर देख चुके हम। अच्छा, प्रेशर हम 5-7 जने, हम तो प्रशासन के, हम जो प्रजातांत्रिक नियमों में विश्वास करने वाले हैं, प्रशासन का सम्मान करने वाले हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं और समाज जो है शिक्षक को आदर्श मानता है। तो अभी स्टाफ ने आपको क्या आश्वासन दिया, आप किस बेस पे यहाँ पे शिफ्ट करने का आश्वासन दिया कि अभी आपकी चेयरमैन सर से मीटिंग करवा देंगे, वो भी हमारे कहने के बाद,
और जो भी हेल्प होगी वो हम हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो अब आगे क्या रहेगा आपका? जा रहे हैं बस, बस एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड देख, जा रहे हैं सर, ये कुल्ली बैनर हमारे, तो सर अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं।